सीबीएसई में ट्वेल्थ के एग्जाम को लेकर अभी अभी इस पल की एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं विद प्रूफ के साथ है अभी अभी आज की जो है ऑफिशियल न्यूज निकल के आ रही है। अगर इसी तरह ऑफिशियल न्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं विद प्रूफ के साथ बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए देखते हैं क्या न्यूज निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई 12वीं परीक्षा सभी राज्य तैयार, केंद्र ने दिए 2 प्रस्ताव, 1 जून से पहले निर्णय होना आवश्यक। सरकार का तर्क, भविष्य के लिए 12वीं की परीक्षा महत्वपूर्ण। बैठक में सरकार ने तर्क दिए, चूंकि 12वीं की परीक्षा जो है अखिल भारतीय स्तर की होती है, इसके उच्च स्तरीय तकनीक शैक्षिक संस्थान दाखिले होते हैं, ऐसे में विद्यार्थी समुचित मूल्यांकन जरूरी है। हालांकि परीक्षा कराने में विद्यार्थी की सुरक्षा भी जरूरी है। ज़्यादातर राज्य सहमत थे कि यदि परीक्षा करा नतीजे नहीं निकले गए तो छात्र को नौकरी उच्च शिक्षा में दिक्कत आएगी, इसलिए परीक्षा जरूरी है। तो काफ़ी सारे जो है इसमें पक्ष विपक्ष के साथ जो भी निष्कर्ष निकला, काफ़ी पक्ष के साथ बोला जा रहा है कि एग्जाम होना चाहिए, काफ़ी पक्ष बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग वीडियो रोक के खुद ही पढ़ सकते हैं। और जो है हमें लग रहा है कि जो है इसमें जिसकी जो है बहुमूलता ज़्यादा होगी उसी की जो सुनी जाएगी जो है एग्ज़ाम को लेकर। चलिए देखते हैं कि 1 जून से पहले क्या निर्णय निकल के आता है। अगर कोई भी निर्णय आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद और लव यू गाइस, तब तक के लिए आप घर में रहिए और सेफ रहिए।